हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे, अगर आप किसी अदर कंट्री जा रहे हो तो आपको कौन सा सामान चेक इन बैग में और कौन सा सामान अपने हैंड बैग में रखना है। दोस्तों जिसके वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम इन द सेंस कि एयरपोर्ट पे आपसे इंक्वायरी की जा सकती है, आपके बैग चेक किए जाएंगे और वहां पे आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो बताना चाहता हूं, बैटरी ऑपरेटेड आइटम्स जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल, जो बैटरी से रिलेटेड ऐसे सामान है जिन्हें आप अपने चेक इन बैग में नहीं रख सकते हो, इसलिए एयरपोर्ट पे आपको आपके पास अगर ऐसा कुछ सामान है तो वो चेक इन बैग में नहीं रखते हैं, उसको अपने हैंड बैग में रखने के लिए कहा जाता है, जिसके वजह से वो सेफ होता है। क्योंकि दोस्तों जो लगेज होता है वो एक दूसरे के ऊपर रख के या किसी तरह दबाव की वजह से लैपटॉप या मोबाइल के अंदर लगी बैटरी या ऐसे सामान है जिनमें बैटरी लगी हुई है जो दबाव के कारण ब्लास्ट कर सकते हैं, आग लग सकती है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जिसके वजह से एयरपोर्ट पे आपके चेक इन बैग में कुछ ऐसे आइटम्स रखने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है। दोस्तों ऐसे कुछ आइटम होते हैं जिन्हें आप अपने हैंडबैग में रख सकते हो। दूसरी बात दोस्तों, कुछ डेंजर आर्टिकल्स जैसे कि भारी सामान जैसे लोहे की रॉड या कोई तेज धारदार जैसे चाकू, तलवार, छुरी, कैंची, ऐसी कोई नुकीली चीज जिनके वजह से मारने से किसी की जान या कोई घायल हो सकता है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसे सामान आप अपने हैंडबैग में नहीं ले जा सकते हो, वो सामान आप चेक इन बैग में ले जा सकते हो। ये अलाउ करती है एयरपोर्ट की पुलिस और वो जो उनके रूल्स होते हैं। और तीसरी बात दोस्तों, लिक्विड, गैस, जेल, क्रीम जैसे आइटम है तो अगर 100 ml से ज्यादा है तो वो आप चेक इन बैग में ले जा सकते हो, अगर इससे कम है, 100 ml से कम है तो वो आप हैंड बैग में ले जा सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे सामान है जिन्हें आप अपने घर से ही सेट करके ले आ सकते हैं, जिनके वजह से एयरपोर्ट पे आपके सामान इधर उधर ना कर सके, ना ही आपको आपका टाइम बेकार जाए। तो दोस्तों ये कुछ छोटी सी वीडियो थी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक।